हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। आज का डेट है 19 तारीख गाइज, और शाम को 6:45 हो रहा है गाइज। और अभी गाइज क्या है कि शाम को जो डिनर है हम लोग गाइज, वो रोटी बन रहा है, एक साइड चावल है गाइज, आप देख सकते हैं एक साइड चावल है एक साइड रोटी है। तो आप लोग को डाउट हो रहा होगा गाइज कि चावल और रोटी दो चीज़ क्यों बन रहा है। तो गाइज स्पेशल चीज़ बन रहा है कई दिनों के बाद अंडा करी, तो अंडा करी वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। अंडा करी हम लोग गाँव में कैसे बनाते हैं, वो भी चूल्हे पे, और क्या क्या चीज़ डालते हैं गाँव के लोग, क्या क्या चीज़ डालते हैं अंडा करी में, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो पर गाइज बने रहिए। और गाइज फाइनली गाइज हम लोग गाँव में जब कोई चीज़ खाना बनाते हैं गाइज, तो बर्तन ऐसे ही चूल्हा पर नहीं चढ़ाते हैं। ये देखिए गाइज गलती क्या करता है, क्या करता है गलती, लेवा देकर आए गाइज, इसको लेवा हम लोग कहते हैं गाँव में, लेवा देकर आए हैं। तो हम लोग बर्तन में गाइज क्या करते हैं कि मिट्टी लगाते हैं गाइज, ये देखिए ऊपर से मिट्टी लगाते हैं, ताकि बर्तन पे जब चूल्हे पे चढ़ाते हैं गाइज खाना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ऐसे जलता तो नहीं है, जलता नहीं है, ब्लैक नहीं होता है, काला नहीं होता है, इसलिए ये मिट्टी लगाया जाता है। सो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं गाइज की डेक्चे के अंदर आलू सीजने के लिए दे दिए हैं गाइज, और इसको अंदर अंडा दे दिया है। तो फाइनली गाइज क्या है, अंडा है वो सीज गया है गाइज, अंडा को बाहर निकाल देंगे गाइज, और ये देखिए अंडा सीज गया गाइज, सीज के फट रहा था गाइज। अंडा को छिलका कुछ इस तरह उतार देते हैं गाइज, क्या है कि अंडा के अंदर तिनका से छेद करते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह तिनका से छेद कर देते हैं, ताकि इसका अंदर जब हम करी बनाएंगे अंडा करी गाइज, तो इसका जो मसाला है इसका अंदर तक जा सके। इसको बाद गाइज यहाँ पे तेल के अंदर अंडा को पहले तल लेते हैं, देखिए इसके अंदर तलने के लिए डाल दिए गाइज अंडा को, तो एक एक करके ये सारा अंडा को पहले तेल के अंदर तल लेंगे। तो फाइनली गाइज कुछ इस तरह रेड हो जाता है गाइज, इसको बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो गाइज आलू सीज गया है गाइज, देखिए इसका पहले पानी निकाल लेते हैं, गर्म पानी, आलू का छिलका भी उतार लिया है गाइज, देख सकते हैं कुछ इस तरह। इसको बाद आलू को थोड़ा थोड़ा मैश देंगे, इसको बाद गाइज यहाँ पर तेल डाल देंगे, और तेल जिसमें तले थे वही तेल यहाँ पे है गाइज, ये गर्म हो गया। उसको बाद यहाँ पे चरपत्ता डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे, रेड कलर हो जाएगा। और इसको बाद गाइज इसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसको बाद यहाँ पर टमाटर काट के फिर रेडी कर लेते हैं गाइज, और यहाँ पर मसाला है गाइज, ये घर के पिसा हुआ सिलौट का मसाला पिसा हुआ है, सिलौट का मसाला पीस के रेडी कर लिए हैं, और टमाटर काट के रेडी कर लिए हैं, और MDH मसाला भी एक रख रखे हैं गाइज डालने के लिए। और यहाँ पर गाइज क्या है, धनिया का पत्ता, जब ये अंडा करी रेडी हो जाएगा तो इसको लास्ट में धनिया का पत्ता डालेंगे, और MDH ये डालेंगे लास्ट में डालेंगे गाइज। तो थोड़ा सा रेड हो गया है, अब इसको अंदर गाइज टमाटर डाल देंगे। तो गाइज अब इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, उसके बाद गाइज ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि ये टमाटर है गाइज इसको तुरंत गला दे। नमक डालने के बाद टमाटर पूरी तरह गल गया है गाइज, और ग्यांती बना रही है। उसके बाद गाइज जो मसाला हम पीस के रखे थे सिलौट से गाइज, तो ये मसाला रहा गाइज, देख सकते हैं ये मसाला है सिलौट से पिसा हुआ। और अब गाइज ये मसाला को इसको अंदर डाल देंगे, तो गाइज इसके अंदर अब मसाला को डाल दिए हैं, अब इसको बढ़िया से भून लेंगे गाइज। तो गाइज इसमें मसाला डाल दिए हैं, प्याज भी डाल दिए हैं, और इसको अंदर आलू डाल देंगे गाइज, ये देखिए इसको अंदर आलू डालते हैं, तो आलू इसको अंदर डाल दिए हैं गाइज, और इसको अब चलाएंगे कुछ इस तरह गाइज। आलू डालने के बाद यहाँ पे चलाएंगे, आलू यहाँ पे भुजा गया गाइज, इसको बाद यहाँ पे पानी डालेंगे। तो यहाँ पे गाइज अपने हिसाब से पानी डाल देंगे, आप करी किस हिसाब से रखना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए पानी डाल दिए हैं गाइज। सो गाइज आप देख सकते हैं आलू करी बनने के लिए डाले थे गाइज, ये ढबक गया है, तो आलू करी बनने के लिए डाले थे ये ढबक गया गाइज। इसको बाद पहले क्या करेंगे, और ये जो अंडा हम लोगों ने तल के रखे हैं, और इसको अंदर पतला पतला जो छेद कर देंगे गाइज, इसको अब इसको अंदर डाल देंगे। छेद करने का फायदा ये है गाइज कि अब इसके अंदर जितना भी मसाला जो तैयार हुआ है, करी जो तैयार हुआ है, इसका अंदर फेमस हो जाएगा, इसका अंदर तक चला जाएगा, इसका खाने का स्वाद ही कुछ और देगा। तो फाइनली गाइज अंडा करी रेडी हो चुका है गाइज, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अंडा करी हम लोगों ने गाँव में बनाया गया। तो हम लोग गाँव में अंडा करी कुछ इस तरह बनाते हैं गाइज, देख सकते हैं अंडा करी बन के रेडी हो चुका है गाइज। तो गाइज देखिए ज्ञानती सबके खाने के लिए अलग अलग अंडा करी निकाल रही है बर्तन में, बाबू के लिए एक निकाल, और अदर्स के लिए भी अंडा करी निकाल दिया है गाइज एक। तो गाइज फाइनली अंडा करी बन के रेडी हो गया है गाइज, और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये देखिए गाइज ज्ञानती सबके खाने के लिए अलग अलग बर्तन में अंडा करी निकाल दी है, रोटी भी इसमें निकाल दी है गाइज। और अब गाइज रात हो चुकी है, और वीडियो कहीं भी कहते हैं, आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।